हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नविश किचन हिंदी में। आज मैं बनाने जा रहा हूं टेम्पटिंग सा डिलीशियस मैंगो शेक। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह आम को छील लेंगे चाकू की मदद से। अब इसका पल्प निकालते हैं कुछ इस तरीके से। अब इस पल्प को पहले मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि इसके लम्स हट जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी और फिर इसमें डालेंगे 1 ग्लास ठंडा ठंडा दूध। और अगर दोस्तों आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के डाले हैं जिससे कि मैंगो शेक थिक भी होगा, क्रीमी भी होगा और वनीला का माइल्ड सा फ्लेवर भी आएगा। अब डालेंगे इसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स और फिर इसे कर देंगे अच्छे से ब्लेंड। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब टाइम है इसे सर्व करने का। देखिए दोस्तों कितना थिक एंड डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पहले से ही काजू, बादाम और पिस्ता चॉप्ड करके रखे हुए थे। अब हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमें लास्ट तक ड्राई फ्रूट्स का क्रंची टेस्ट मिले। अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए सबसे पहले 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डालेंगे और फिर इसे चॉप्ड करे हुए ड्राई फ्रूट से कुछ इस तरह सजाएंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। अब इसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे टूटी फ्रूटी के साथ। तो लीजिए तैयार है टेम्प्टिंग सा माउथ वाटरिंग मैंगो शेक। इसी प्रकार और भी नई नई रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।